हम सम्मानीय अतिथियों का आगमन हमारे बीच हो रहा है। कर्तन ध्वनियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत करें। समस्त विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ, इसलिए मैं सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन हेतु स्थान पहुंचे। ॐ चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखा तग्निरजायत। ॐ इदमुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयस अग्निः प्रजां बहुनां मे करोत्पन्नं पयोर् अस्मान् सुदत्ता। सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आप सब भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री अवध सरकार विश्वविद्यालय लेक्चर सीरीज में आज हम सब इंटरैक्टिव सेक्शन में उपस्थित हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं संरक्षक अनंत शिवभूषित संत शिरोमणि श्री रविशंकर महाराज जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के मुख्य अतिथि के स्वागत हेतु मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर एस के सिंह सर से निवेदन करती हूँ। डॉक्टर यू के मिश्रा सर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग सर्वे सर्वो पुष्प कुछ हेतु स्वागत करें। पूरे विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि करते हुए पुष्प कुछ किया जा रहा है। तत्पश्चात इस अवसर पर अंजासी माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर एस के सिंह सर, डीन अकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर आर आर एल बिराली सर एवं इस समारोह में उपस्थित सभी डीन्स, प्रिंसिपल्स, एचओडीज, एकेडमिक ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स एवं सभी स्टूडेंट्स का इस मंच के द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ माता के प्रति सम्मान के भाव के साथ राज्य गीत के लिए हम सब खड़े हो जाएं। Thank you.
बताए और परिया आवे थैंक यू डॉक्टर राधिका जी। सर्वप्रथम मैं पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही साथ उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं, जिससे कि ये विश्वविद्यालय दिनों दिन प्रगति की राह पर चल सके। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर यूके मिश्रा जी, चेयरमैन छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी कमीशन, ही हैज आल्सो बीन द वाइस चांसलर ऑफ फ्रॉम देहरादून यूनिवर्सिटी, लेकिन वर्तमान में ही इज मेकिंग सेवरल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ स्टेट एंड चेयरमैन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। Sitting on the dais, my colleague, the Dean of Academic Affairs, Professor Birani. The present in the audience, the deans of the faculties, heads of various departments, my teacher colleague, dear students. So, sarvapratham, main Vishwavidyalay ki taraf se aur apni taraf se mananiya Dr. UK Mishra ji ka swagat aur abhinandan karta hu. साथ ही साथ विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। छात्रों में से कुछ क्षण हमारे छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए निकाला है। विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में पूज्य गुरुदेव के डिवाइन लीडरशिप के अंतर्गत की गई थी और विश्वविद्यालय पूरी कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं सो दैट इट कैन मेक ए प्लेस इन द लैंडस्केप ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ नॉट द स्टेट बट आल्सो ऑफ द कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर यूके मिश्रा जी इस श्री रावपुरा सरकार लेक्चर सीरीज में एक मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। जब हम लोग इस लेक्चर सीरीज की परिकल्पना कर रहे थे और वो भी शिक्षण सत्र के शुरू में, तो हम लोग इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से सीनियर लोगों को, जो कि रिसर्चर हो, टीचर हो, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स हो, उनको बुलाना चाहते थे, जिससे कि वो आकर के
हमारे छात्र छात्राओं से अपना अनुभव साझा कर सके। और मुख्य उद्देश्य था कि इस तरह के बहुत ही अनुभवी लोगों के आने से और अपने अनुभव को साझा करने से कहीं ना कहीं शैक्षणिक सत्र को एक गति मिलेगी, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा और शैक्षण की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, तो कोई भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों से कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। और अगर शैक्षणिक गतिविधियों से अगर कम्प्रोमाइज करता है तो कहीं ना कहीं जो मूल भावना है विश्वविद्यालय की स्थापना की वो आहत होगी और वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसी मुख्य उद्देश्य इस सीरीज की शुरुआत 1 अगस्त से प्रारंभ हुई थी, जिसमें हमारे 2022-23 के कक्षाओं का शुरुआत था प्रारंभ किए थे जो हमारे पुराने छात्र थे, जो फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर के सेकेंड ईयर में गए थे या सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर के थर्ड ईयर में गए थे, उनकी कक्षाएं 1 अगस्त से प्रारंभ हुई थी। और ये सुखद संयोग था कि प्रथम दिन ही 3 बहुत ही विशिष्ट शैक्षणिक व्यक्ति उपस्थित थे। एक प्रोफेसर रमेश चंद्रानी, हु इज द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड हु हैज बीन द वाइस चांसलर ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी फॉर 6 ईयर्स। दूसरे हमारे पड़ोसी जो छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी पुराना विश्वविद्यालय है पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, उनके कुलपति प्रोफेसर के एल वर्मा साहब थे। और छत्तीसगढ़ के तकनीकी विषयों का तो छत्तीसगढ़ विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एम के वर्मा जी थे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि अब हम लोग जिस मंशा से इस लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया था उसमें कहीं ना कहीं सफल होंगे। तीनों लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया, छात्र जो उस दिन उपस्थित थे उन्हें बताया कि किस तरह से वो अपने विश्वविद्यालय अवधि का अधिकतम उपयोग करके अपना भविष्य संवारने का सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। उसी कड़ी में दूसरे दिन एक प्रोफेसर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर एंड हु हैज बीन द वाइस चांसलर ऑफ मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल, उन्होंने आया, उन्होंने भी छात्रों को गति शैक्षणिक सत्र में गति प्रदान करने की कोशिश करी। तो ये परंपराएं चलती आ रही हैं, चाहे वो पद्मश्री डॉक्टर बार्ले जी आए हों, चाहे IAS रिटायर्ड द फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिंदुस्तान कॉमर लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हो, इन्होंने आकर के छात्रों से अपने अनुभव को शेयर किया। अभी हाल ही में पिछले दिनों में 2 विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल साहब आए हुए थे। He had been the vice chancellor of Purvanchal University, Jaunpur, and also the APS University, Rewa. And he is the professor of management, MNIT, Allahabad. उसी के जस्ट बाद है एक पद्मश्री थे प्रोफेसर आर के सिन्हा जी, who is currently the vice chancellor of माँ वैष्णो देवी विश्वविद्यालय। और ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको कि हम लोग popularly known as the Dolphin Man of India. ऐसे ऐसे लोगों को हम बुला रहे हैं जिससे कि हमारे छात्रों को एक गति मिले। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि द्वारा हम अपना तो जीवन सब संवारते ही हैं और साथ ही साथ हम अपने समाज और अपने देश के निर्माण में भी योगदान कर सकते हैं। तो एक तरह से वो एक मॉडल का काम करेंगे, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उसमें उत्साह वर्धन आएगा, पढ़ने के प्रति उनके में ललक पर पढ़ने के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न होगी। क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है कि छात्रों को कैंपस से दूर रखने की मजबूरी थी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और ये 2 साल में कहीं ना कहीं वो एक आदत पड़ गई है। तो 2 साल में जो लॉस हुआ है, लर्निंग लॉस उसको हम बोलते हैं, उस लर्निंग लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें इस कोरोना काल की शुरुआत के पहले जितनी हम परिश्रम करते थे उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम उस लर्निंग लॉस को कंपनसेट कर पाएंगे। अन्यथा ये होगा कि इन 2 वर्षों में जो लर्निंग लॉस हुआ है आप अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे रह जाएंगे। तो उस लर्निंग लॉस को कंपनसेट करने के लिए यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स,
यू नीड टू बी मोर सिंसियर